आपने बहुत मेहनत करी अपने एग्जाम में, अपनी लाइफ में, अपने किसी भी बिजनेस में, लेकिन सिर्फ एक वजह से आप हर बार असफल हुए हैं। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आज एक रियलिस्टिक स्टोरी आपकी लाइफ को चेंज करेगी और साथ ही साथ उसके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट आपके सामने रखे जाएंगे कि आप हर बार अनसक्सेसफुल क्यों होते हो। एक छोटी सी चीज है, देखा जाए तो बहुत छोटी चीज है, और अगर आपने सही तरीके से अपनी लाइफ में उसको डाल लिया तो वो बहुत बड़ी चीज होगी। सो वेलकम बैक टू माय चैनल, मैं रोहित कुमार वैश अपने चैनल चलाइए पॉजिटिव में आपके सामने फिर से हाजिर हो गया हूं दोस्तों। और जो इस चैनल पे नए हैं उनको सिर्फ इतना बताना चाहूंगा कि रेड कलर का बटन होगा सब्सक्राइब का, उसको सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये चैनल आपकी लाइफ को बहुत ड्रास्टिकली चेंज करने जा रहा है। क्योंकि हम लोग मोटिवेशनल वीडियो लेके आते हैं बिना किसी शो ऑफ के, और साथ ही साथ इंस्पायरिंग स्टोरीज होती है, रियलिस्टिक और अनरियलिस्टिक, लेकिन उसका कंक्लूजन, उसका रिजल्ट बिल्कुल 1000% रियलिस्टिक होता है और वो आपकी लाइफ में बिल्कुल चेंज ला सकता है। और साथ ही साथ हम लोग फैक्ट्स की बात करते हैं, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए फैक्ट्स को जानना। सो आज हम एक ऐसी चीज के बारे में बात करेंगे कि जिसकी वजह से आपका पूरा लाइफ, पूरा करियर चेंज हो सकता है। क्या आप हर बार एग्जाम में मेहनत करने के बाद भी उतने अच्छे मार्क्स नहीं ला पाते जितने आने चाहिए? आप हर बार कोई बिजनेस सेट करने की कोशिश करते हैं लेकिन सक्सेसफुल नहीं हो पाते। आप हर बार किसी राह पे, किसी एम पे पहुंचना चाहते हैं बट एक वजह से हमेशा आप नहीं पहुंच पाते। सो दोस्तों, वो कुछ और नहीं, वो है आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस। ये वर्ड आपने अपने बहुत जगह सुना होगा, वीडियोस में, सेमिनार्स में, और जगह जगह आपने देखा होगा कि सेल्फ कॉन्फिडेंस की जरूरत है। तो दोस्तों, सेल्फ कॉन्फिडेंस बेसिकली होता क्या है, और इस सेल्फ कॉन्फिडेंस को बताने के लिए आपके सामने एक छोटी सी स्टोरी भी कोट करने जा रहा हूं, जो कि आपकी लाइफ की बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी होने जा रही है। एक बार एक राहुल नाम का लड़का अपने गांव में रहता था, और वो बहुत ही ज्यादा गरीब था। वो अपनी लाइफ से थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड था। उसके फादर जो थे मजदूर थे, मदर घर पे रहती थी, और एक बड़ी सिस्टर थी जो कि शादी के लिए ऑलमोस्ट प्रिपेयर थी, बट वो घर में ही रहती थी, कुछ स्पेसिफिकली कुछ अपने फादर को सपोर्ट करने के लिए कुछ नहीं कर पा रही थी। अब सारी जिम्मेदारियां जो है उस लड़के के ऊपर, राहुल के ऊपर आ चुकी थी। सो दोस्तों, वो अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा मेहनत करता, और वो 20 साल का लड़का हो गया था, और पूरी मेहनत करता अच्छी जॉब मिल जाए, अच्छी पढ़ाई करके अच्छी जगह पहुंच जाए, लेकिन पढ़ाई को 12th के बाद उसको छोड़ना पड़ गया, और साथ ही साथ उसको जॉब के लिए उसने कोशिश करी कि अच्छी जगह लग जाए, लेकिन हर बार वो अनसक्सेसफुल हो पा रहा था। और जब भी किसी एक इंटरव्यू के लिए जा रहा है, जब भी किसी काम के लिए जा रहा है, तो वो बोलता पता नहीं शायद हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, यार चलो मैं कोशिश करता हूं। तो उसके माइंड में ना एक क्वेश्चन मार्क हमेशा रहता। सो दोस्तों, ये क्वेश्चन मार्क बेसिकली सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है कि आपको अपने ऊपर कितना कॉन्फिडेंस है अपनी चीजों को लेकर के। सो वो हर जगह जाता, और उसकी जो बोलता कि पता नहीं हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, ये चीज ना उसके फेस पे हमेशा दिखाई देती, और वो हमेशा दूसरा इंसान उसको बहुत अच्छे तरीके से जज कर लेता कि कहीं ना कहीं अंडर कॉन्फिडेंस है, मतलब कॉन्फिडेंस की बहुत ज्यादा कमी है। तो ऐसा करते करते काफी समय निकल गया, 21 साल का हो गया, पापा को बहुत ज़्यादा परेशानी हो गई क्योंकि घर में कोई फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं था उनके अलावा, और उनकी ज़िंदगी जो है बहुत ही कठिनाइयों से निकल रही थी। अब ये चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है कि आप जब आपके ऊपर जिम्मेदारियाँ होती हैं ना, तो आप उसको इस तरीके से निभाने की कोशिश करते हैं कि आप अपने करियर को तो बिल्कुल भूल जाते हैं उस टाइम पे, बस ये चाहते हैं कि आप कहीं ना कहीं अपने फादर को, अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकें। तो वो बहुत जगह जाने लग गया हर बार। तो एक बार यही चीज ऑब्जर्व करी, उसका एक फ्रेंड था, बहुत अच्छा फ्रेंड था, और एक्चुअली अच्छी दोस्ती यही होती है, तो वो ऑब्जर्व करता, बट वो जो लड़का था, जो उसका दोस्त था, वो पढ़ाई में बिल्कुल बेकार था, दोस्ती मतलब नो डाउट बहुत अच्छी थी, पढ़ाई में बिल्कुल बेकार था, बट उसके अंदर ना एक चीज ये थी कि उसको जो संसाधन है, रिसोर्सेज हैं, बहुत ऑटोमेटिकली मिल जाते, और उसके फेस पे बिना पढ़ाई, मतलब बहुत अच्छी पढ़ाई होने के ना होने के बावजूद भी उसके फेस में एक तेज दिखाई देता था कि हाँ यार मैं कर लूंगा, हो जाएगा। तो एक जगह दोनों लोग गए, और
जो दूसरा लड़का था उसका, राहुल का दोस्त, उसको नौकरी की जरूरत नहीं थी, बट वो उसके साथ गया था, चल यार तू जा रहा तो मैं भी इंटरव्यू दे देता हूँ। और राहुल बहुत ज्यादा प्रिपेयर करके गया था कि यार ये इंटरव्यू मुझे पास करना है किसी भी हाल में, अगर नहीं कर पाया तो मेरी जॉब नहीं लग पाएगी और ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है अगर मेरे को मिल जाती है। और सेम चीज जो उसका फ्रेंड था, वो बहुत कैजुअली गया और ऐसा उसने कोई प्लानिंग नहीं की थी कि मुझे जॉब चाहिए नहीं चाहिए, वो बस एक मस्ती के लिए गया था अपने दोस्त का साथ देने के लिए। बट जब वो राहुल इंटरव्यू के लिए गया अंदर, उसने इंटरव्यू दिया प्रॉपर, और अपने दोस्त को इंटरव्यू पे जाने से पहले वो यही बोल रहा था, यार मेरे को पता नहीं, लग नहीं रहा होगा नहीं होगा, बट हाँ प्रिपरेशन मेरी ठीक गई है। और राहुल का दोस्त ये बोल रहा था, यार तेरी पढ़ाई अच्छी है और तू बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करके आया, उसकी बात क्यों नहीं लगेगी। तो बोला यार पता नहीं। अब जब राहुल अपना इंटरव्यू कंप्लीट करता, वापस आता, बैठता है और नेक्स्ट टर्न होता है उसके फ्रेंड का, तो अब वो भी सेम चीज ऐसे ही करता है, अपना इंटरव्यू देता है। और ऑल इन ऑल वहां पे काफी कैंडिडेट्स होते हैं, बट बहुत आश्चर्यजनक बात ये होती है कि जो राहुल का फ्रेंड होता है वो सिलेक्ट हो जाता है। तो अब वो सिलेक्ट होने के बाद, मतलब वो लोग अपना घर आते हैं, और उसने कोई प्लान नहीं किया था राहुल के दोस्त ने कि जॉब नौकरी करेगा नहीं करेगा, वो वापस आ जाते हैं। अब राहुल बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड कि यार मेरा हो नहीं पाया, क्यों नहीं हो पाया, जबकि जरूरत मेरे को ज्यादा है और तुझे जरूरत नहीं है, तेरा आराम से हो गया। तो राहुल के फ्रेंड ने काफी टाइम से ऑब्जर्व कर रहा था और उसने बोला कि यार दोस्त, मैं तेरे को बहुत समय से एक चीज बताना चाह रहा था, शायद तू, हम बहुत अच्छे दोस्त हैं और मुझे लग रहा था कि क्या पता तू इस चीज को किस तरीके से लेगा, या तू ये सोचेगा कि बहुत ज्यादा ओवर स्मार्ट बन रहा है, बट मैं तेरे को आज चीज बता रहा हूँ, हो सकता है कि हमारी फ्रेंडशिप में फ्रिक्शन आए, बट अगर मैं नहीं बताऊंगा तो हमारी दोस्ती किसी काम की नहीं है। तो राहुल बोलता है कि यार चल तू बता यार क्या परेशानी। बोलता है कि तेरी पढ़ाई बहुत अच्छी है, बाय पर्सनैलिटी अच्छा है, बट तेरे अंदर ना एक कमी हमेशा मैं ऑब्जर्व करता हूँ कि तू तो थोड़ा थोड़ा नेगेटिव रहता अपने आप को लेकर के, कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता तेरे अंदर। तो राहुल ने ये ऑब्जर्व किया कि हाँ यार कहीं ना कहीं तू ठीक तो कह रहा है, बट कॉन्फिडेंस आएगा कैसे यार, क्योंकि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है, ठीक है आपकी फैमिली आपके ऊपर डिपेंड होने की कोशिश कर रही है, बट कहाँ से कॉन्फिडेंस लेके आऊँ। तो राहुल का फ्रेंड एक चीज बोलता है कि दोस्त मेरी बात को ना ध्यान से समझना, मैं तेरे से ज्यादा समझदार पढ़ा लिखा नहीं होऊंगा, बट और नो डाउट तू बहुत अच्छा है मेरे से पढ़ाई के अंदर, बट आज एक चीज तेरे को थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा जो मैं अपनी लाइफ के साथ करता हूं, कि मैं लाइफ को कभी भी ना बहुत ज्यादा सीरियस नहीं लेता, सीरियस लेता हूं अपने करियर को बट बहुत ज्यादा सीरियस नहीं लेता, जिससे मेरे अंदर ना स्ट्रेस बहुत कम आता है, और साथ ही साथ मैं हमेशा किसी भी चीज को करने से पहले यही बोलता हूं कि हाँ यार मैं कर लूंगा और मैं कर सकता हूं, मेरे में इतना कॉन्फिडेंस है। तो वो कहीं ना कहीं मेरे को बूस्ट करता है, अगर मेरे को कोई चीज नहीं भी पता होगी ना तो मैं उसको कहीं ना कहीं कैसे से करके कॉन्फिडेंटली, बट हाँ मैं इस चीज का ध्यान जरूर रखता हूँ कि मैं कॉन्फिडेंस के साथ साथ ओवर कॉन्फिडेंट ना हो, जो कि मेरे लिए सही नहीं है। तो राहुल ने ये चीज ऑब्जर्व करी कि चलो ठीक है मैं भी ये ट्राई करता हूँ, और जब वो नेक्स्ट इंटरव्यू में जाता है इसी कॉन्फिडेंस के साथ, और उसका नेक्स्ट इंटरव्यू बहुत अच्छा जाता है, उसकी नौकरी बहुत अच्छी जगह लग जाती है। सो दोस्तों ये कहानी बहुत छोटी सी थी, आपको सिर्फ इस कहानी के माध्यम से अपनी लाइफ में, आपने बहुत चीजों को ट्राई करना चाह रहे हो लाइफ में, बहुत कुछ करना चाह रहे हो, बट एक कॉन्फिडेंस जो चीज होती है ना वो आपकी लाइफ का पूरा टर्नअराउंड कर सकती है, और ये आपको मैं लिख के दे रहा हूं। ठीक है, आपको नहीं पता कि रिसोर्सेस क्या है, आपको नहीं पता कैसे होगा, आपको नहीं पता कब होगा, बट आपको एक चीज हमेशा अपने मन में अपने दिमाग में रखनी चाहिए कि जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, और जिस चीज के लिए मैं काम कर रहा हूं वो मैं अपने हाथ में लेके रहूंगा। अपनी कॉन्फिडेंस को बूस्ट हमेशा हाई लेवल पे रखना चाहिए, बट हाँ अब आप महीने के 25 से 45 हज़ार रुपये कमा रहे हो और आप ये बोलो कि मैं अगले साल ऑडी ले लूंगा, ले सकते हैं, बट कहीं ना कहीं आप ओवर कॉन्फिडेंस अपने आप को मत दिखाइए, कॉन्फिडेंस पूरा रखिए अपनी कैपेबिलिटी के अंदर कि हाँ आप ले सकते हैं, बट जब आप अपने मन में ये चीज सोच लेंगे कि हाँ मैं ले सकता हूं, मैं कर सकता हूं, मैं ये कर लूंगा, तो वो उसका वे ना वे पाथ अपने आप ही बनना स्टार्ट हो जाता है। बट आपका कॉन्फिडेंस सच्चा होना चाहिए और जो आपका विजन है बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ये नहीं
कि आज मुझे ये चाहिए, कल मुझे वो चाहिए, परसों मुझे वो चाहिए, मतलब आप फ्लक्चुएट ना हो। सो कॉन्फिडेंस एक ऐसी चीज है जो मतलब कहते हैं ना कि नेगेटिव को भी पॉजिटिव कर देती है। कॉन्फिडेंस से इतना कुछ हो सकता है। और कॉन्फिडेंस सिंपल सा माइंड गेम है। आपने थ्री इडियट्स में एक डायलॉग आमिर खान का सुना होगा कि जब वो लोग एक हॉस्टल रूम में बैठे होते हैं और फरहान कुरैशी को और राजू रस्तोगी को रणछोड़ दास चाचर मतलब आमिर खान एक चीज बता रहा होता है कि यार देखो तुम दोनों ना डरते बहुत हो और तुम्हारे अंदर कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस की कमी रहती है। तो एक बार वो ये बताता है कि एक बार हमारे एक सोसाइटी में एक चौकीदार था और वो रोज रात को सीटी बजाने की बजाय बोलता था कि ऑल इज वेल, मतलब सब ठीक है, सब बढ़िया है। ऐसे करते करते उस चौकीदार को वहां पे 4 साल हो गए। लेकिन एक दिन ऐसा आया जब उस एरिया के अंदर बहुत बड़ी चोरी हो गई। अब लोगों ने उस चौकीदार से ये पूछा कि भाई ये कैसे हो गया, तो कहीं ना कहीं से सोर्स से पता लगा कि उसको दिखाई नहीं देता रात को 10 बजे के बाद, या जब अंधेरा होने को होता है तब उसको दिखाई नहीं देता। और ये बात 4 साल से किसी को पता ही नहीं लगी क्योंकि उसकी कॉन्फिडेंस में इतना बूस्ट था, लोग उसके कॉन्फिडेंस के ऊपर ही अपने आप को डाइवर्ट करके आराम से सो जाते। हालांकि ये चीज बहुत गलत थी कि किसी को अंधेरे में रखना, बट जब इंसान की मजबूरी होती है ना, जब किसी चीज की पैसों की कमी होती है, क्योंकि चौकीदार कोई बहुत हाई क्लास का बंदा तो नहीं होगा, 10-12 हज़ार कमाने वाला इंसान होगा और उसको अपनी फैमिली के लिए उस जॉब की जरूरत होगी, वो काम कर रहा था, ठीक है, और वो इतना कॉन्फिडेंटली ये बोलता था कि ऑल इज वेल, तो और सब बहुत आराम से सो जाते। तो कहीं ना कहीं इस चीज का इम्पैक्ट आपकी लाइफ में पड़ता है, क्योंकि जब आपका जो हार्ट होता है ना, जब आप किसी भी काम को, किसी भी अनएक्सपेक्टेड चीज करने की कोशिश करते हो तो आप डरना स्टार्ट होते हो। जब आप देखते हो कि एग्जाम लिखने जा रहे हो या फिर कोई जॉब इंटरव्यू में जा रहे हो या कहीं ऐसी जगह जा रहे हो जहां पे आपको अपने आप को शो करना है, तो उस केस में आप हमेशा रख लेना ध्यान, डरते हो। और उसी समय आपने अपने आप को ऑलवेज वेल या फिर अपने आप को कॉन्फिडेंट दिला दिया कि हाँ ये हो जाएगा, डोंट वरी, तो आपको फॉर श्योर, फॉर डैम श्योर मैं ये बोल रहा हूं कि वो चीजें 100 नहीं 1000% हो जाती है। मांझी का एक एग्जाम्पल, जो एक मूवी थी जिसमें मांझी नाम के इंसान थे और उनकी वाइफ प्रेग्नेंट थी और उनका जो घर था पहाड़ के उस तरफ था और पहाड़ के इस साइड सिटी थी, उस साइड पूरा गांव था। और जब अगर हम सीधा जाते हैं बिना, अगर वहां पे पहाड़ नहीं होता तो शहर की दूरी सिर्फ 15 मीटर की थी, 15 मिनट की थी सॉरी, लेकिन जब उस पहाड़ से ऊपर नीचे होके जाना पड़ता तो उसको 15 मिनट की जगह 2.5 घंटे लगते थे। अब यही केस एक बार हुआ कि उनकी वाइफ प्रेग्नेंट थी और उनको जो डिलीवरी पेन होता है वो स्टार्ट हो गया और वो इतना इमरजेंसी वाला था कि उनको हॉस्पिटल 15 से 20 मिनट में या आधे घंटे के अंदर पहुंचना था, लेकिन वो पहुंच नहीं पाए क्योंकि उस जगह को पार करने में इतना समय लग गया, उस पहाड़ को पार करने में। तो उस दिन मांझी ने एक चीज सोच ली थी कि इस पहाड़ को तोड़ के दिखाऊंगा मैं, और उनका कॉन्फिडेंस, उनका विजन इतना क्लियर था कि जब वो छेनी हथौड़ा लेकर के निकले तो लोग उनको पागल समझ रहे थे, पागल। लेकिन जिस दिन उन्होंने पूरा पहाड़ तोड़ करके और वहां पे 15 मिनट का रास्ता बना दिया, उस दिन लोगों ने उनको सैल्यूट करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि जब उनको देखा कि वो तोड़ने में लगे पड़े हैं और लोगों ने शुरू में तो सोचा कि पागल हैं, लेकिन फिर लोग जुड़ते गए, साथ साथ होते गए, सब आते गए और ये पहाड़ को उन्होंने तोड़ दिया। और उनका यही कहना था कि जैसी घटना मेरे साथ हुई है वो किसी और के साथ ना हो, तो वो उनका कॉन्फिडेंस था। तो दोस्तों कॉन्फिडेंस इतनी बड़ी चीज है कि आप कुछ भी कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो को यहीं क्लोज करता हूँ और आपसे आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई हो। और दोस्तों दोबारा से आपको सिर्फ एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कोशिश कीजिए कि अगर आप इस पे कमेंट अपना डाल देंगे कि आपको किस तरीके की वीडियो चाहिए तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।